हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताएंगे क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट सेकंड के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, जिसे नेमिंग रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हम वो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, रोजरमोंड अभिक्रिया। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे रोजरमोंड अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसके रिएक्शन को। जैसा कि हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे क्लास 12 के आल सब्जेक्ट की स्टडी कराई जा रही है और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे से कराई जा रही है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और काफ़ी ट्रिक और ट्रिप्स के साथ आपको स्टडी कराई जा रही है हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आप लोग हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे डेली वीडियो अपलोड हो रहा है, आप लोग एक बार विजिट जरूर करिएगा। तो यहाँ पे हम देखिए रोजरमोंड अभिक्रिया, यानी कि ये जो रिएक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले ये जानेंगे कि ये जो रोजरमोंड अभिक्रिया, जैसा कि ऐसा इस तरह के नेमिंग रिएक्शन जो है वो हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे कई इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन के वीडियो अपलोड है। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल के क्लास 12 केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं रोजरमोंड अभिक्रिया। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये रोजरमोंड अभिक्रिया किसे कहते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे इसके रिएक्शन, किस तरह रिएक्शन को किया जाता है। अगर आपको रिएक्शन नहीं करने आता फिर भी आपको यहाँ पे ये रिएक्शन करने आ जाएगा और आपको बताएंगे कि इस रोजरमोंड अभिक्रिया को एक छोटे से ट्रिक से कैसे याद करेंगे, जैसे कि आपको बोर्ड एग्जाम तक और उसके बाद तक भी आपको ये रिएक्शन याद रहे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ट्रिक और ट्रिक्स के साथ रोजरमोंड अभिक्रिया बताएंगे। तो सबसे पहले रोजरमोंड अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि ये रोजरमोंड अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब एसिटिल क्लोराइड, यानी कि जो एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, होता है CH3COCl। ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड है। जब एसिटिल क्लोराइड को पीडी और BASO4, यानी कि जब एसिटिल क्लोराइड को पीडी और BASO4 जो है वो उत्प्रेरक है, यानी कैटेलिस्ट है, ठीक है, जिसके उपस्थिति में ये रिएक्शन क्या हो रहा है, संपन्न हो रहा है, कराई जा रही है। तो यहाँ पे पीडी जो है वो पैलेडियम है और BASO4 यानी कि बेरियम सल्फेट है, ठीक है, इसके उपस्थिति में क्या कराया जा रहा है, ये रिएक्शन कराई जा रहा है, जिसमें से जो ये पीडी है ये उत्प्रेरक 20 का कार्य कर रहा है। ये किसका कार्य कर रहा है, उत्प्रेरक 20 का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए उत्प्रेरक 20 का मतलब क्या होता है, ये रिएक्शन को करने में ये रोक रहा है, ठीक है, 20 का कार्य कर रहा है पीडी जो है। तो यहाँ जब एसिटिल क्लोराइड को पीडी तथा BASO4 के उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ क्या कराया जाता है, इसका अपचयन कराया जाता है रिएक्शन में। जिस रिएक्शन में अपचयन कह दे उसमें आप लोग जान जाइए कि क्या है, उसमें हाइड्रोजन जरूर उपस्थित है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन आप जरूर लेंगे। तो यहाँ पे यानी कि जब एसिटिल क्लोराइड को पीडी तथा BASO4 के उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराया जाता है, तब यहाँ पे जो प्राप्त होता है यानी एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है, उसी को कहते हैं रोजरमोंड अभिक्रिया। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब हम इसका रिएक्शन जानेंगे, ये हो गया इसकी डेफिनेशन। आपको देखिए कई प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आता है इस प्रकार की, आप सिर्फ रासायनिक समीकरण दीजिए, तो उसमें आपको डेफिनेशन नहीं लिखना है, सिर्फ आपको उसकी रासायनिक समीकरण लिखनी है, ठीक है। और कभी कभी ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि आपको उसमें इसकी परिभाषा भी समझाना होता है, ठीक है, कि ये रोजरमोंड अभिक्रिया जैसे आ गया तो इसको आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे और इसकी रिएक्शन लिखेंगे, तब जाके आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो आपको ऐसे करना है। अब इसका हम देखेंगे रिएक्शन, इसकी रिएक्शन किस तरह होती है। तो सबसे पहले हमने कहा एसिटिल क्लोराइड, ये हो गया एसिटिल क्लोराइड। तो ये हो गया एसिटिल क्लोराइड और हमने बताया क्या कि यानी कि हाइड्रोजन लेंगे, इसका अपचयन करा रहे इस रिएक्शन में, तो इसमें क्या लेंगे, हाइड्रोजन को लेंगे। तो यहाँ पे हमने H को ले लिया जो कि
H2 लेना है, दो लेना है, ठीक है, प्लस। और फिर यहाँ पे हमने क्या कहा, जो कैटलिस्ट है वो PD है और BASO4, ये क्या है, उत्प्रेरक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, किस तरह बनाएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, यानी दो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पे देखिए, जो Cl है वो हाइड्रोजन से क्या कर गया, रिएक्शन कर गया, यानी कि H+ और Cl पे माइनस है, तो ये इसके साथ रिएक्शन कर दिया, तो क्या बना दिया, HCl, क्या बनाया, HCl बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी बचे हुए, यहाँ एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, क्योंकि एक हाइड्रोजन किससे, Cl से रिएक्शन कर गया, तो यहाँ पे CH3CHO, ठीक है, यहाँ क्या हो गया, CH3CHO, यानी ये क्या हो गया, एसीटेल्डिहाइड। तो यहाँ पे देखिए, एसिटिल क्लोराइड को जब हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराए पीडी तथा BASO4 के उपस्थिति में, तो ये क्या बना दिया, एसीटेल्डिहाइड और HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, इस तरह बना दिया। आपको रिएक्शन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, अब इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, इससे आप यहाँ पे तो आप समझ गए, बट आप ट्रिक अगर जान जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, और भी आपके लिए सॉलिड हो जाएगा और आप इसे नहीं भूल पाएंगे। तो इसकी जो ट्रिक है वो हमने अपने से खुद बना रखा है, और आपको अगर ये हमारी ट्रिक अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है, एक काम है पढ़ बस ऐसे, ए मींस क्या हो गया, एसिटिल और काम क्लोराइड, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड है यानी कि हाइड्रोजन आपको लेना है दो ठो, ठीक है, हाइड्रोजन यानी कि है, पढ़ यानी पीडी को आपको उपस्थिति करना है, बस यानी कि क्या हो गया, बेरियम सल्फेट, ठीक है, बस यानी क्या हो गया, बेरियम सल्फेट, बस इसलिए लिखे हमने क्योंकि बी मैंने हो गया BA और यस यहाँ पे है तो स हो गया, ठीक है। तो बस ऐसे यानी कि एसीटेल्डिहाइड, और यहाँ पे आप इतना अगर कर लिए तो HCl को अपने आप यहाँ पे आप राइट कर देंगे, अगर नहीं करते तो प्लस यहाँ पे HCl लिख लीजिए। तो ये हो गया हमारे ट्रिक, ठीक है, ये हो गया क्या, ट्रिक, आप लोग तैयार कर लीजिए। यहाँ पे ये रहा हमारा ट्रिक, तो आप लोग इस ट्रिक से इस रिएक्शन को आसानी से याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो आई होप कि ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के कई नेमिंग रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन के वीडियो हमारे चैनल अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे है, तो आप लोग वीडियो वहां से जाकर देख लीजिएगा। ये वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया जो आपके क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट सेकंड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है कि जरूर आता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के आते हैं, ठीक है। आप लोग इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, इससे पहले हम वोल्टेज अभिक्रिया किसे कहते हैं बता चुके, अगर आप वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। ये आपका जो चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री पार्ट सेकंड का चैप्टर फर्स्ट हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन चैप्टर है, ठीक है। अगर आप हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन को समझे होंगे तो आप इसे बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। अगर आप हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन को नहीं जानते होंगे तो हमने पूरे बिल्कुल डिटेल्स में एक ईजी तरीके से पूरे इंट्रोडक्शन को बताए हैं, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम जानेंगे वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया का डेफिनेशन, परिभाषा, फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसके रिएक्शन को बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपके केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जानेंगे हम पहले वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो किसी भी हेलो एरिन को, हेलो एरिन मीन्स आप लोग समझ गए, यहाँ पे देखिए हेलो मीन्स हो गया हेलोजन वर्ग का तत्व, ठीक है। आवर्त सारणी होता है पीरियोडिक टेबल के 17 वर्ग के तत्व को हेलोजन वर्ग का तत्व कहता है,
कहते हैं उससे ही हेलो कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, हेलोजन वर्ग के तत्वों को हेलो कहते हैं शॉर्ट नेम में। तो जैसे हेलोजन वर्ग के कौन कौन से तत्व हो गए, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इस तरह के तत्व हो गए। तो यहाँ पे वही कहा गया कि हेलो एरियंस मीन्स क्या होते हैं, एरिन, ठीक है, एरिन जो होता है एरिन मीन होंगे क्या, बेंजील, ठीक है। एरिन मीन्स क्या हो गए, बेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसी भी हेलो एरिन को क्या करते हैं, हेलो मीन्स क्या हो गया कि हमने बताया, हेलो मीन्स क्या हो गया, हेलोजन वर्ग का तत्व जैसे क्लोरीन, हेलोजन वर्ग का तत्व क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया। तो यहाँ पे हम किसी भी तत्व को ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्लोरीन को, और यहाँ पे हमने एरिन मीन्स क्या होता है कि बेंजीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी हेलो एरिन, जब हेलो एरिन दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने क्लोरीन और बेंजीन दोनों को मिला दिया तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बेंजीन पे क्या लगा हुआ है, सीएल लग गया है क्लोरीन, तो यहाँ पे ये हो गया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी, जैसे यहाँ पे बुटर स्पीटिंग अभिक्रिया को बता रहे थे कि किसी भी हेलो एरिन को जब सोडियम धातु के साथ, ठीक है, किसी भी एल्किल हैलाइड, अब यहाँ पे एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, जैसे एल्किल मीन्स हो गया कि किसी भी मेथिल एथिल प्रोपिल किसी को भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेथिल को जैसे हमने ले लिया CH3, ठीक है, और यहाँ पे हैलाइड मीन्स क्या हो गया, हेलोजन वर्ग का ही तत्व हो गया, उसको हेलो कहते हैं, हेलोजन कहते हैं, हैलाइड कहते हैं, ठीक है। एक ही बंदा है बट उसका नाम क्या है, अनेक है। तो यहाँ पे देखिए एल्किल हैलाइड हमने बताया, तो यहाँ पे हमने CH3 ले लिया, फिर उसके बाद हैलाइड को किसी को ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्लोरीन को ले लेते हैं या ब्रोमीन को, किसी को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया CH3Cl, ये क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड, ठीक है, ये एल्किल हैलाइड है। तो फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं, किसी भी हेलो एरिन को, हेलो एरिन आप समझ गए, किसी भी हेलो एरिन को सोडियम धातु के साथ एल्किल हैलाइड के साथ, ठीक है, सोडियम धातु और किसी भी हेलो एरिन को सोडियम धातु और एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क इथर, ड्राई इथर के उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराया जाता है, ठीक है, रिएक्शन कराया जाता है, तो वो टाइलुइन बनाता है, उसी को ही कहते हैं बूटस फिटिंग अभिक्रिया। ओके, डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, आई हो तो आपको देखिए डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसका रिएक्शन आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका हम क्या देखेंगे, रिएक्शन देखने के बाद देखिए यहाँ पे हम रिएक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हम क्या लेंगे, हेलो एरिन हमने बताया था, हेलो एरिन में हमने क्या बताया था कि एरिन मीन्स होते हैं बेंजीन, और हेलो मीन्स किसी भी हेलोजन वर्ग का तत्व ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए ये किसके फॉर्मूला है, जानते हो आप लोग, ये किसका फॉर्मूला है, बेंजीन का, ठीक है, बेंजीन का है, जो कि CH जिसके प्रत्येक कोने पर क्या लगा हुआ है, CH लगे हुए, ठीक है, छह कोने हैं, छह कोने पर CH जुड़ा हुआ है, यहाँ पे छह कार्बन और छह हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ ये तत्व, ठीक है, ये बेंजीन कहलाता है। यहाँ पे आप लोग इसको और भी डिटेल्स में अगर जानना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, अपलोड कर दिए गए, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन की बिल्कुल पूरी डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया बेंजीन, ठीक है, अगर इसमें हम यहाँ पे क्या कर दिए, क्लोरीन को ऐड कर दिए, तो ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन, ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इस तरह हम यहाँ पे इसी को ही कहते हैं हेलो एरिन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, और इसको देखिए यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, इसको तो यहाँ पे देखिए हम क्या किए कि क्लोरोबेंजीन को, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, क्योंकि यहाँ पे
सीएल लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या करें, क्लोरो, ठीक है, क्लोरो बेंजीन। तो यहाँ पे देखिए हम बेंजीन को हमने वहाँ पे बताया है कि बेंजीन को यहाँ पे एक छोर एक पर डबल बार लगाते हैं या इसके पीछे क्या कर देते हैं, लड्डू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गोला कर देते हैं, ये भी बेंजीन का हो जाता है फार्मूला। तो ये हो गया क्लोरो बेंजीन, ठीक है, इसलिए हमने इसको इस तरह लिखा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, इससे आपके रिएक्शन क्या हो जाएंगे और भी इजी हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस, और हमने क्या बताया डेफिनेशन में कि सोडियम धातु के साथ, ठीक है, सोडियम धातु का फार्मूला Na प्लस। यहाँ पे हमने बताया किसी भी एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड में हमने क्या लिया था, मेथिल क्लोराइड, ठीक है, मेथिल क्लोराइड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है CH3Cl, ठीक है, क्या होता है CH3Cl। बट इसको हमने क्या कर दिया, इस तरह लिख दिया, इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं है, ये फार्मूला मेथिल क्लोराइड का ही है। तो यहाँ पे हमने CH3Cl को इस तरह लिख दिया क्योंकि जो रिएक्शन है वो क्या हो जाए और भी इजी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम राउंड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको राउंड कर दिया और यहाँ पे हम लगाएंगे एरो, ठीक है, तीर की निशान रिएक्शन को करने के लिए लगाते हैं। यहाँ पे हमने एरो लगा दिया, ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि इन दोनों बंदे को क्या कर दिया, राउंड कर दिया, आप लोग को कहीं नहीं जाना है, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया। तो यहाँ पे देखिए बहुत भाग रहे थे इसलिए हम इसको क्या कर दिया, अरेस्ट करके रख दिए। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे Na और यहाँ पे दो Cl हैं, कितने Cl है, दो Cl है, कह रहे हैं कि ये सोडियम हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे कहीं क्योंकि तुम अकेले ही हो। तो यहाँ पे देखिए सोडियम की संख्या को भी हम दो कर देते हैं, भाई तू भी दो हो जाओ, क्यों अकेले चलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो सोडियम हो गया और दो क्लोरीन हो गया। तो ये रिएक्शन करके क्या बना दिया, एक नया तत्व बना दिया है NaCl, ठीक है। यहाँ पे हमने दो कर दिया इसके आगे, तो यहाँ पे सोडियम की संख्या भी दो हो गई और यहाँ पे क्लोरीन भी क्या हो गया, दो ही हो गए। तो यहाँ पे हमारा NaCl निकल गया, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक कहते हैं, ठीक है, ये नमक का फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे देखिए जो ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ये किसके उपस्थिति में हो रहा है, तो यहाँ पे ये ड्राई इथर, यहाँ पे ये शुष्क इथर के उपस्थिति में ये रिएक्शन पूरे क्या हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं, ठीक है, हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो हमने 2NaCl, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड को यहाँ पे यहाँ से क्या कर दिया, निकाल कर यहाँ पे रख दिया। फिर उसके बाद एक तत्व तो यहाँ पे बन चुका है NaCl सोडियम क्लोराइड, फिर उसके बाद और भी जितने भी यहाँ पे तत्व बचे हुए हैं इनको हम ऐड करके यहाँ पे राइट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या बचे हुए हैं, यहाँ पे एक एरिन बचा हुआ है जिसे वेंजीन कहते हैं और यहाँ पे CH3, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, टाइलुइन, ठीक है। यहाँ पे इसकी फार्मूला, यहाँ पे ये टाइलुइन बना लेता है, क्या बना लेता है, टाइलुइन, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा बेंजीन बचा हुआ है और यहाँ पे ये CH3, ये दोनों ऐड हो गए तो क्या बना लिया, टाइलुइन। तो इस तरह यहाँ पे ये रिएक्शन जो हो गया ये क्या हो गया, संपन्न हो गया, पूर्ण हो गया। और यहाँ पे अब इसको हम संतुलित करेंगे, ये देख रहे हो आपकी ये पहले से ही संतुलित हो चुका है क्योंकि यहाँ पे सोडियम की संख्या दो है, तो इधर भी सोडियम की संख्या दो है आप देख सकते हो, और यहाँ पे क्लोरीन की संख्या दो है, इधर हमने सोडियम और क्लोरीन के आगे दो लगा दिया, दोनों की संख्या दो हो गए, और इधर भी क्लोरीन की संख्या दो है, ठीक है। बेंजीन की संख्या एक है यहाँ पे, एक यहाँ पे, और यहाँ पे CH3 एक ही है, यहाँ पे ऐड हो गया तो ये टाइलुइन बना दिया। तो इस तरह हमारा ये रिएक्शन क्या हो गया, संतुलित हो गया और पूर्ण हो गया, ठीक है। इसी को कहते हैं बुंटस फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पे हमने आप इस रिएक्शन के माध्यम से इसके डेफिनेशन को आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमने डेफिनेशन बताया था उसी तरह यहाँ पे ये रिएक्शन बता दिए।
तो इन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इससे पहले भी हमने कई इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया रिएक्शन का वीडियो अपलोड कर दिए गए चैनल पर। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म है कि जरूर आते हैं। और ये रिएक्शन जो होता है वो दो नंबर का आता है, ठीक है, दो दो नंबर के कई रिएक्शन आते हैं, या फिर समझिए कि ये आपके 10 मार्क्स के आते हैं। और इसके अलावा आपका ये कई भी यहाँ पे, ठीक है, खाली स्थान भरने के लिए भी आता है, जो कि रिएक्शन ही होता है, वो भी 2 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे पीटिंग अभिक्रिया, जब दो एरियल हैलाइड को, ठीक है, एरियल हैलाइड या आप इसे कह सकते हैं दो क्लोरोबेंजीन, जब दो क्लोरोबेंजीन के अणुओं को सोडियम धातु के साथ हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो डाइफेनिल बना लेता है, उसी को ही कहते हैं फिटिंग रिएक्शन। फिर उसके बाद हम इसके रिएक्शन को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन के कितने अणु, 2 अणु, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमने बताया ये किसका फॉर्मूला है, क्लोरोबेंजीन का, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, बेंजीन का फॉर्मूला, एक छोड़ एक पे डबल बॉन्ड लगाते हैं अष्टक को पूर्ण करने के लिए, और यहाँ पे क्लोरीन लगा है, इसलिए यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के कितने अणु, 2 अणु। तो हम यहाँ पे देखिए क्लोरोबेंजीन के 2 अणु को किस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्लोरोबेंजीन के 2 अणु को आप इस तरह भी 2 यहाँ पे लगा कर लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने 2 लगा दिया तो कितना आ गया, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु हो गए यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने 2 नहीं लगाए फिर भी आप इसको क्या करते हो, 2 बार राइट कर दीजिए, ठीक है, रिएक्शन को और भी इजी करने के लिए। तो यहाँ पे प्लस सोडियम धातु Na के साथ इसको क्या करना है, हीट करना है सोडियम धातु के साथ, और प्लस यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे कि क्लोरोबेंजीन के 1 अणु को इस तरह यहाँ पे राइट कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप बेंजीन को इस तरह भी लिख सकते हैं, एक छोड़ एक पर डबल बॉन्ड या यहाँ पे गोला बीच में करके, ठीक है। ये भी आपका किसका फॉर्मूला है, क्लोरोबेंजीन का, और ये भी क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पे तिरकी निशान रिएक्शन को करने के लिए, तो यहाँ पे हमने परिभाषा में डेफिनेशन में क्या बताया था कि क्लोरोबेंजीन के 2 अणु को सोडियम के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये डाइफेनिल बना लेता है। तो यहाँ पे जो हीट का सिंबल होता है वो क्या होता है, इस तरह, ये क्या होते हैं, हीट के सिंबल होते हैं, त्रिभुज के आकार के होते हैं, ठीक है। इसको आपको लर्न करना होगा, क्योंकि ये आपके वाइवा के टीचर, जो क्लास 12th में वाइवा होते हैं, उनके टीचर ये पूछते हैं कि हीट के सिंबल कैसे होते हैं, तो वहाँ पे आपको बनाकर दिखाना होगा। तो ये हो गए हीट के सिंबल। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों, ठीक है, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु सोडियम धातु के साथ हीट होकर क्या बनाते हैं, डाइफेनिल। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो कि इसको हम इस तरह राउंड कर देते हैं, यहाँ से निकल गया NaCl, ठीक है, सोडियम के 2 अणु हो जाएंगे, क्योंकि क्लोरीन के अणु को बैलेंस करने NaCl लिख दिया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के 2 अणु हैं, तो यहाँ पे हमने 2 कर दिया, जिससे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, तो सोडियम के साथ सोडियम जो है उसके भी 2 हो गए, ठीक है, और क्लोरीन की संख्या भी 2 हो गई। तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे और भी क्या क्या बचे हुए, तो एक यहाँ पे बचा हुआ है और एक यहाँ पे बचा हुआ, ये दोनों को यहाँ पे मिलाकर, देखिए यहाँ पे थोड़े जगह के प्रॉब्लम है, इसलिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बेंजीन यहाँ पे बचा हुआ है, एक यहाँ पे, ठीक है, दोनों मिल गए। यहाँ पे बेंजीन के कितने अणु हैं, मीन्स की फेनिल के कितने अणु है, 2 अणु है, तो यहाँ पे 1 को मोनो कहते हैं, 2 को डाई कहते हैं, और 3 को ट्राई, और 4 रहेगा तो टेट्रा,
तो यहाँ पे कितने दो है, तो ये क्या हो गया, ढाई हो गया। तो यहाँ पे ढाई, और ये क्या हो गया, फेनिल हो गया। तो इस तरह आप देख सकते हो कि यहाँ पे डाई फेनिल बना लिया, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने क्लोरोबेंजील के दो अणुओं को लिया, सोडियम के साथ इसको हीट कर दिया, हीट करने के बाद डाई फेनिल बन गया, और यहाँ पे रिएक्शन एक तत्व और बन के तैयार हो गया, वो है NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, जो कि नमक का फॉर्मूला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिएक्शन संतुलित करना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो बेंजील की संख्या यहाँ पे दो है, उसके बाद यहाँ पे सोडियम के दो अणु हो गए, वहाँ पे भी दो अणु हुए, क्लोरीन के दो अणु, यहाँ पे भी क्लोरीन के दो अणु, क्योंकि यहाँ पे हमने दो लगा दिया। तो इस तरह हमारा ये रिएक्शन बैलेंस भी हो गया और पूर्ण भी हो गया, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।